हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी टू स्टडी। लेट्स लर्न टुगेदर। सो मेरा आज का टॉपिक है यमुना रिवर सिस्टम या यमुना नदी तंत्र। कोई भी नदी तंत्र, आप पहले नदी तंत्र को समझो। नदी तंत्र होता क्या है? एक मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियां होती हैं। ये कुल मिला के बनता है नदी का तंत्र, नदी तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र। स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी नदी तंत्र के चार मुख्य बिंदु होते हैं, मुख्य पॉइंट या इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। फर्स्ट सोर्स, मतलब नदी निकलती कहाँ से है। सेकंड एंड पॉइंट, मतलब नदी या तो किसी बड़ी नदी में मर्ज हो जाती है या तो किसी सागर में गिरती है, तो नदी का एंड कहाँ पर है। तीसरा पॉइंट, उसमें जुड़ने वाली सहायक नदियाँ, जो मैंने ब्लू कलर में दिखाई हुई हैं और पॉइंट क्लिक किया हुआ है। चौथा पॉइंट कि नदी का बेसिन एरिया, मतलब नदी किस किस जगह से, राज्य से या सिटीज से होकर गुजरती है। तो ये चार पॉइंट हमारे मेन पॉइंट आते हैं। तो हम यमुना रिवर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे कि सोर्स क्या है। यमुना नदी का सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर उत्तराखंड में कालिंदी पर्वत के पास है। यमुना नदी का एंड पॉइंट है अलाहाबाद। त्रिवेणी संगम में यमुना नदी गंगा रिवर में मिल जाती है। तो यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी का एंड अलाहाबाद में मान सकते हो जब वो गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ सबसे पहले है टोंस रिवर, फिर हिंडन रिवर, फिर चंबल रिवर। अच्छा, आप चंबल रिवर में आप एक रेड लाइन भी देख रहे हैं। मैंने इसको रेड क्यों बनाया है, बाकी सबको ब्लू इसलिए बनाया है क्योंकि बनास रिवर जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बनास रिवर चंबल रिवर की सहायक नदी है और चंबल फिर फाइनली यमुना की सहायक नदी बनती है और इटावा में जाकर मिलती है। चंबल के बाद काली सिंध, बेतवा, केन रिवर यमुना नदी की सहायक नदियाँ, उसके बाद यमुना नदी गंगा में जाके मिल जाती है। अब आप देखो कि यमुना किस किस जगह या सिटीज से होके गुजरती है। सबसे पहले यमुना, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद पानीपत में आती है, फिर सोनीपत में प्रवेश करती है, फिर दिल्ली में भी आती है। दिल्ली में आप लोगों ने कई बार यमुना नदी पर गए होंगे, गणेश विसर्जन पे या मुंडन पे या किसी और काम के लिए आपने यमुना नदी देखी होगी। उसके बाद फरीदाबाद में जाती है। फरीदाबाद में चूड़ियों का बहुत ज़्यादा काम होता है। फरीदाबाद में बहुत बड़े नाले हैं जो बैंगल फैक्ट्री से कूड़ा यमुना नदी में फिर डंप करते हैं। फिर पल्लभगढ़ और आप कह सकते हैं नोएडा के पास हिंडन रिवर आके मिल जाती है। हिंडन रिवर की भी एक सहायक नदी है काली रिवर। काली रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है, वो हिंडन में मिलती है, हिंडन पॉल्यूटेड हो जाती है, फिर हिंडन से यमुना पॉल्यूट होती है। उसके बाद पलवल में प्रवेश करती है यमुना, फिर मथुरा में जाती है। मथुरा कृष्ण नगरी है। मैंने आपको मेरी शायद कल या परसों की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मथुरा को, कृष्ण को और कालिया नाग को और यमुना रिवर को, चारों को जब आप कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा, हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि मथुरा के किनारे यमुना नदी बहती है। फिर आगरा यूपी में होते हुए इटावा में जाती है। आगरा आपका, आगरा में ताजमहल है और ताजमहल यमुना रिवर बैंक पर, मतलब यमुना नदी के किनारे पर ही बना है। फिर इटावा में आपकी चंबल रिवर कनेक्ट करती है और उसके बाद काली सिंध और बेतवा रिवर कनेक्ट करती हैं। बेतवा और केन हमीरपुर में कनेक्ट करती है, हमीरपुर यूपी के अंदर पड़ता है। और फिर यूपी में अलाहाबाद में जगह है त्रिवेणी संगम, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। सरस्वती को बोला जाता है मिथोलॉजिकली कि सरस्वती है, बट आज के टाइम में सरस्वती का कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि सरस्वती भी त्रिवेणी संगम पर आके मिलती है। बट अगर आप मिथोलॉजिकल पॉइंट मानो तो सरस्वती लुप्त नदी है जो ज़मीन के नीचे बहती है। तो आज भी यही माना जाता है कि सरस्वती लुप्त हो चुकी है और त्रिवेणी संगम में यमुना और गंगा मर्ज होती हैं। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यमुना नदी के नेम, क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम है यमुना के। सांस्कृतिक नेम अगर यमुना का माना जाएगा तो वो है यमुनोत्री। संस्कृत नेम यमुनोत्री है यमुना का।
और जो वैदिक नेम है, वैदिक नेम मतलब यमुना को जिस नाम से वेदों में जाना गया है वो है कालिंदी। मैंने आपको बताया था कि यमुनोत्री ग्लेशियर के पास कालिंदी पर्वत है, कालिंदी पर्वत से होते हुए यमुना बहती है, तो इसे हम कालिंदी नदी भी बोलते हैं। सोर्स क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से कालिंदी पर्वत के करीब उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर की जो हाइट है वो है 6,387 मीटर, 6,387 मीटर। नेक्स्ट करते हैं। फैक्ट में हमने 3-4 पॉइंट क्रिएट किए हैं। फर्स्ट इज यमुना रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। गंगा रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। चंबल इज द लॉन्गेस्ट, मतलब चंबल सबसे लंबी, और टोंस इज द लार्जेस्ट। टोंस रिवर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। यमुना रिवर की टोटल लेंथ उत्तरकाशी से लेकर अलाहाबाद तक 1376 किलोमीटर है जो यमुना कवर करती है। और यमुना नदी की लेंथ कितनी है वो 1376 किलोमीटर आप ऐसा भी बोल सकते हो। यमुना नदी मर्ज होती है गंगा में एट त्रिवेणी संगम इन प्रयागराज। प्रयागराज का दूसरा नाम और पुराना नाम अलाहाबाद भी था, तो त्रिवेणी संगम अलाहाबाद या प्रयागराज यूपी के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियों को थोड़ा डिटेल में आपको बताया है। सबसे पहली है टोंस रिवर। टोंस रिवर यमुना से कलसी एक जगह है देहरादून के पास उत्तराखंड में, टोंस रिवर यमुना से वहां आके मिलती है। टोंस रिवर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और टोंस रिवर राइट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। उसके बाद है हिंडन। हिंडन यमुना रिवर में सिलवाड़ा विलेज है नोएडा गौतम बुद्ध नगर के पास यूपी में, वहां आके कनेक्ट करती है। काली रिवर जो है हिंडन की ट्रिब्यूटरी है जो हिंडन को पोल्यूट करती है, एंड देन हिंडन यमुना को पोल्यूट करती है। चंबल, चंबल विध्यांचल रेंज एमपी से निकलती है, मतलब चंबल का अगर हम फ्लो डायरेक्शन देखें तो वो साउथ टू नॉर्थ बहती है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से निकलती है और यूपी में आके यमुना रिवर से मिलती है। तो चंबल विध्यांचल रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है। बनास चंबल रिवर की सहायक नदी है, एंड चंबल नदी यमुना रिवर से भिंड और इटावा बॉर्डर के पास यूपी में कनेक्ट करती है। चंबल जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। उसके बाद काली सिंध। काली सिंध यमुना रिवर से जलाउन डिस्ट्रिक्ट यूपी जलाउन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के पास है यूपी के अंदर, वहां कनेक्ट करती है। नेक्स्ट बेतवा रिवर जलाउन डिस्ट्रिक्ट नियर हमीरपुर यूपी में ही कनेक्ट करती है। फिर है केन रिवर। केन रिवर यमुना रिवर से चिल्ला विलेज में बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास यूपी के अंदर कनेक्ट करती है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था, उसके बाद यमुना रिवर अलाहाबाद में या प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में गंगा से जाके मिल जाती है। तो ये था यमुना नदी का टोटल तंत्र, या यमुना नदी तंत्र, यमुना रिवर सिस्टम। तो हमने आज यमुना रिवर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए गंगा का लेके आऊंगी, गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, एंड देन हम सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हम साउथ इंडियंस की रिवर पे जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है, या आपको कुछ और जानना है, या इस वीडियो में आपके कुछ डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। थैंक यू।